जज बशीर साहब सबसे ज्यादा आजाद जज है। जज बशीर साहब ने जो है वो इससे पहले भी वजीर आजम भुगताए, अब भी उन्होंने एक वजीर आजम भुगता दिया है। और जज बशीर साहब से ज्यादा आजाद कुछ नहीं है, इतना आजाद तो पाकिस्तान का कोई शहरी नहीं है जितने आजाद जज बशीर साहब है। तो 8 फरवरी को कुछ नहीं होगा, हमारे साथ होगा, हम कहेंगे हेलो बस। अब ये हेलो जो है, ये अगर आप बात करें उन लोगों की जो अपना प्लान बना चुके, अगर लोग 70% निकल आए तो उन लोगों के साथ होगा और वो फिर पूछ लोगे हेलो ये क्या हो गया। और अगर लोग नहीं निकले तो फिर बाकी तमाम जो 70% नहीं निकलेंगे उनके साथ होगा और वो पूरा साल पूछ रहे होंगे हेलो ये क्या हो गया। पाकिस्तानियों से उस सर्वे में पूछा गया कि सबसे ज्यादा असरअंदाज होने की ताकत इंतखाबी नताइज पर कौन रखता है, तो उसमें जो नाम आया वो नाम आया सबसे बड़ी तादाद में फौज का। तो ये दिलचस्प है, लोग समझते हैं कि इसी इदारे पर हमें एतमाद है, यही इदारा हमारे मसाइल का हल कर सकता है, एतमाद उसी पर होता है। और एट द सेम टाइम लोग अगर किसी पर ये शक कर रहे हैं कि वो इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकता है तो वॉइस ऑफ अमेरिका का सर्वे बताता है कि वो भी वही इदारा है। वेलकम siyasat.pk से, मैं हूं कार बगा और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मुमताज साहबी तारिक मतीन। तारिक सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर इमरान खान को सजा हो गई, जेल में कहा जाता है कि कैदियों वाले कपड़े पहना दिए गए, क्या इमरान खान इज ऑफिशियली आउट फ्रॉम पाकिस्तानी पॉलिटिक्स? नहीं, ऐसे होता नहीं है वकार, आपको भी अस्सलाम वालेकुम, आपके सभी देखने वालों को भी अस्सलाम वालेकुम। ऐसे होता नहीं है, ये पहले भी हुआ है, हमने मियां नवाज शरीफ के केस में भी देख लिया, हमने आसिफ अली जरदारी के केस में भी, बेनजीर भुट्टो के केस में भी देख लिया। बात यह कि सियासतदानों का फैसला ये गैर सियासी ताकतें वक्ती तौर पर कर देती हैं, लेकिन सियासतदानों का फैसला सियासत में होता है, सियासी मैदान में होता है। तो हाँ ठीक है, कुछ वक्त के लिए आंख ओझल पहाड़ ओझल, पहाड़ भी इतना बड़ा जितना बड़ा इमरान खान है तो शायद मुसीबत भी ज्यादा बड़ी होती है, और फिर उसको ओझल करना ज्यादा मुसीबत का काम होता है। लेकिन हाँ, ये वक्ती तौर पर ऐसा लग रहा है कि इट इज ओवर, लेकिन पहले भी लगता था ऐसा, हुआ नहीं हुआ, अब भी लग रहा है। और अभी सबसे बड़ा फैक्टर तो बाकी है, वो फैक्टर जो है उस फैक्टर को कहीं भी गिना नहीं जाता। वो फैक्टर एक है जिसका नाम है वकार बग्गा, जिसका नाम है तारिक मतीन, जिसका नाम है उजैर महमूद राजपूत, जिसका नाम है गुलाम हामिद, जिसका नाम है अब्दुल सत्तार, एक आम आदमी। तो वो फैक्टर बाकी है अभी। सर जो सजा सुनाई गई, फैसले की क्रेडिबिलिटी क्या थी? फैसले की क्रेडिबिलिटी क्या है? फैसला देखिए, आमतौर पे पता है क्या होता है, जब फैसला आता है तो हम देखते हैं फैसले में लिखा होता है कि इस फैसले को नजीर बनाते हुए, इस कानून की बुनियाद पर, इस क्लॉज की बुनियाद पर, आमतौर पे फैसला अदालतों का ऐसा ही होता है, उसमें हवाले होते हैं, कवानीन के हवाले होते हैं, उसमें फैसलों के हवाले होते हैं, नजीर होती है, प्रेसिडेंट्स होते हैं। यहां जो है वो लग ये रहा था कि जो जो कुछ नून लीग जलसों में कह रही है वो तमाम चीजें जो है वो फैसले में लिख दी गई हैं, फैसला पढ़ के ऐसा लग रहा था। तो मैं तो ढूंढता रहा कि फैसले में मुझे रीजनिंग मिले, अदालत का फैसला मिले, लेकिन वो जो है वो मुझे अदालत का फैसला लग नहीं रहा था, ये बाहरीन कानून को भी नहीं लग रहा। ठीक है, तो बुशरा बीबी को बनीगाला भेज दिया गया, वो तो गिरफ्तारी देने अडियाला जेल की थी, कहा यह गया कि अडियाला जेल में सिक्योरिटी रिस्क है। अच्छा, अडियाला जेल में बात यह कि हमने ये देखा कि फैसला जो है वो आज आया हमारे सामने, 77 सफात का फैसला, ऐसा ही है जी, तफसीली फैसला। तो ये जो 77 सफात का फैसला ये आया जुमेरात को, और बुशरा बीबी जो है वो बुध के रोज अडियाला जेल पहुंच गई थी खुद। तो इमरान खान साहब को सजा सुना दी गई थी, बुशरा बीबी को सजा सुना दी गई थी, उन्होंने कहा करो गिरफ्तार। अब जब फैसला नहीं था तो वो तो पुलिस वालों के गले पड़ जाता बगैर फैसले के, कि जिसकी बुनियाद पे लिखा हुआ है कि बुशरा बीबी के खिलाफ ये फैसला है, वो क्या गिरफ्तार करते। तो इसलिए बुशरा बीबी को, एक खातून को, ये निजाम कहां संभालता। तो उन्होंने कहा ठीक है, इनको भेजते हैं बनीगाला, और बनीगाला भेज दिया है, फैसला भी आ गया है। मेरा ये ख्याल है कि अब वहां से वापस लाया जाएगा, लेकिन आपने सुना वो एक प्लेटफॉर्म है रफ्तार नाम का, वहां पर बात कर रहे थे इंतजार हुसैन पंजोता साहब, वो ये कह रहे थे बाहर खड़े हुए कि टेक ओवर हो गया बनीगाला पे, पुलिस जो है वो अंदर मौजूद है, और पुलिस अंदर ऐसे मौजूद है कि उन्होंने इमरान खान साहब के मुलाजमीन को बाहर निकाल दिया है, बुशरा बीबी को घर में नहीं, घर के अंदर एक कमरे में बंद कर दिया है, और अब घर पे टेक ओवर हो गया है, और खिड़की भी नहीं खोल सकती, वो कमरे से बाहर कदम भी नहीं रख सकती। तो इस तरह की सिचुएशन है।
अब अगर वो सही कह रहे हैं तो ये जो लोग थे जो कह रहे थे कि ये 5 स्टार जेल है, तो वो 5 स्टार जो जेल है उसमें तो अब एक कमरा है उनके पास, और वो भी उन्होंने नहीं कहा कि मुझे वहां लेकर जाओ, उसमें तो वो खुद फंस गए थे कि क्या करें, ये मुसीबत जो है ये हमारे गले पड़ गई, अब हम इसको क्या करें, कैसे उतारें गले से, तो इसलिए उन्होंने फिर उनको बनीगाला भेज दिया था। तो सर जिस तरीके से फैसला सुनाया गया, क्रॉस एग्जामिनेशन का हक नहीं दिया गया, वकीलों को अंदर जाने नहीं दिया गया, वकील कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील कहते हैं हम पे तो बंदूकें तानी गई, हमें बाहर फेंक दिया गया, तो जब ये बिहेवियर अपनाया जाए तो फिर क्या कहा जा सकता है इस पर? इस पर आप तारीफ करें निजामे इंसाफ की, बेहतरीन इंसाफ हुआ है पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम के साथ, उसने पाकिस्तान के लोगों को ये बताया। तो आपको याद है ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे वेंटिलेटर पर है हमारी मईशत, और अमेरिका जो है उसने ये वेंटिलेटर लगाया हुआ है। तो इमरान खान की जुर्रत कि उसने ये बताया, इमरान खान की जुर्रत के वो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि अजीब आदमी अमरीका को एब्सोल्युटली नॉट कहता है। तो आप इस निजामे इंसाफ की तारीफ करें, जज अबुल हसनैन जुल्कर्नैन साहब की तारीफ करें, अदालतों की तारीफ करें, इस फैसले की तारीफ करें, इमरान खान जो है वो उसने लोगों को ये बताने की कोशिश की है, उसको आप जो है वो मुर्द इल्जाम ठहराएं, मैं और आप ये हमें करना चाहिए। गलती किसकी है? इमरान खान की है, एक गैर रिवायती सियासतदान हमारी रिवायती सियासत में आ गया है, उसने ये आने की जुर्रत की है, उसने लंगर खाने बनाए हैं, उसने एक आम आदमी बेचारा अपने घर पे जब दूसरे शहर से आ जाता है, लाहौर जैसे शहर में, इस्लामाबाद में नजदीकी छोटे गांव से, तो वहां पे मजदूरी वगैरह करता है, और वो 4 पैसे घर बेच सके, उसके लिए सर छुपाने की जगह हो, खाना खाने की जगह हो, उसने ये काम करने की कोशिश की, उसको हक नहीं है। तो बिल्कुल ठीक किया गया है, सही हुआ है उसके साथ, यही होना चाहिए था। सर जज बशीर साहब जिस तरह बीमार हुए, अस्पताल में दाखिल हुए, छुट्टियां मांगते रहे, उनसे कहा गया कि फैसला आप ही लिखेंगे, और फिर पाकिस्तानी अदालतों में तो आपको पता है कि कितने गवाहान पेश होते हैं, और इस तरह के मुकदमात में बड़े बड़े तगड़े गवाहान पेश हुए, तो केस की प्रोसीडिंग को देखकर, सारी चीजों को देखकर, जजेस का रवैया देखकर, और फिर जज साहब ने जब फैसला सुनाया और उसके बाद जिस तरह वो आजाद होकर गए, ये सारी चीजें देखकर आप क्या लगता है कि इन पर प्रेशर किसका था? मुस्लिम लीग नून का था या गैर सियासी कूटों का था? किसी का प्रेशर नहीं था, जज बशीर साहब सबसे ज्यादा आजाद जज है। जज बशीर साहब ने जो है वो इससे पहले भी वजीर आजम भुगताए, अब भी उन्होंने एक वजीर आजम भुगता दिया है, और जज बशीर साहब ज्यादा आजाद कुछ नहीं है, इतना आजाद तो पाकिस्तान का कोई शहरी नहीं है जितने आजाद जज बशीर साहब है। तारीफ करनी चाहिए, देखिए जज बशीर साहब की भी, कि उनकी अदालत में वो इतने बेहतरीन जज हैं कि पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम आमतौर पर कहाँ होता है कि सेक्रेटरी खारिजा, सफीर, उसके बाद ये ग्रेड 22 के ऑफिसर्स, ये तमाम लोग जो है वो एक साबिक वजीर आजम के खिलाफ गवाही देने आ रहे हो। किसी ने कहा था कि कभी कभी गालिबन जहांगीर जदून साहब थे, आप बुला के देखिए तो अदालत में चपरासी हाजिर नहीं होता है, और वो भी नहीं आता, लेकिन यहाँ जज साहब इतने अच्छे जज हैं और इतने बेहतरीन जज हैं कि उनकी अदालत में गवाहों को पता था कि यहाँ सबसे ज्यादा बेहतर फैसला होगा, इससे अच्छा इंसाफ कहीं नहीं मिलेगा, तो वो सारे गवाह जो हैं वो खुद आए, अपनी मर्जी से आए, और इमरान खान साहब के साथ इंसाफ कर दिया गया है। ये हम बिला वजह रोते हैं, मैं और आप, हमें आदत ही नहीं है गैर सियासी कुव्वतें, गैर सियासी ताकतें, कुव्वत नाफिजा, मुक्तदरा, मुक्तदर हलके, ये जो हम बातें करते हैं, बिल्कुल ठीक हुआ है, ये बेहतरीन इंसाफ हुआ है। इस इंसाफ पर क्या आप कुछ बोलेंगे, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, ये इंसाफ है, इंसाफ पर मबनी फैसला है, इसको तस्लीम करना चाहिए और इसको मान लेना चाहिए, इसके खिलाफ हमें, मुझे आपको बात करने की जरूरत ही क्या है। बेहतरीन इंसाफ था, और ये इंसाफ की एक आला मिसाल कायम हुई, और पाकिस्तान की अदालती निजाम बेहतरीन, देखिए इससे अच्छा इंसाफ हो नहीं सकता था ना, मतलब क्या है, नैब के केसेस में फैसला होना चाहिए 30 दिन के अंदर, ये कानून कहता है, जज साहब ने 28 दिन के अंदर फैसला कर दिया, कानून पर अमल किया जज साहब ने। वो जो नवाज शरीफ की गाड़ी है, आसिफ अली जरदारी की गाड़ी है, या मरियम नवाज शरीफ साहिबा की गाड़ी है, या इन लोगों की घड़ियां हैं और इन लोगों के तोहफे हैं, वो तो देखिए उनकी कोई हैसियत नहीं है, वो 2-2 रुपए वाली गाड़ियां हैं, जिस तरह बच्चों की मिलती हैं, प्लास्टिक वाली छोटी सर लोकल क्वालिटी के मोल्ड पे बने हुए खिलौने, वो हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं है। जो उनको घड़ियां मिली थी वो घड़ियां वो हैं, जो आपने वो देखा है, बंदा खड़ा होता है एक टारगेट बोर्ड पे बलून लगा के, गुब्बारे लगा के, और एक आपको बंदूक देता है छर्रा डाल के, आप छर्रा मारे गुब्बारा फाड़े घड़ी मिलेगी आपको, जी नवाज शरीफ की, शाहिद खाकान अब्बासी की घड़ियां वो वाली घड़ियां थी, असल घड़ी इमरान खान वाली घड़ी है,
बाकी जो घड़ियां वो बेकार की घड़ियां थी। उन घड़ियों में औकात पता चलती है, उन घड़ियों में औकात पता चलती है। इमरान खान की जो घड़ी थी वो 300 अरब रुपए की घड़ी थी। तारक मदीन साहब मुझे बता दीजिएगा, फैसला आ गया है इमरान खान, अब जाहिर सी बात है सजा भुगत रहे हैं, अब फैसला कब उड़ेगा ये अलग बहस है, मगर कहा यह जाता है कि इस तरह के मामलों में जब फैसले सुनाए जाते हैं उसके बाद फिर एक अगला मरहला आता है, उसमें डील या ढील दी जाती है, उसमें एनआरओ दिए जाते हैं, उसमें आपके साथ कम्युनिकेशन की जाती है, तो इमरान खान को भी अब कोई मामला होंगे आपको लगता है कि, क्योंकि माजी में तो हमें पता ये चला है कि इमरान खान डील की तरफ तो जा ही नहीं रहे, ना उनसे कोई बात की तरफ वो जा रहे हैं, अब जाएंगे इमरान खान? देखिए, मैं अभी तक जो बातें कर रहा था उनसे मुख्तलिफ एक बात और करना चाहूंगा। पाकिस्तान को इस बरस कुल मिला के कमोबेश 27 से 30 अरब डॉलर की जरूरत है। ये 27 से 30 अरब डॉलर हमारे पास है, जाहिर है नहीं है। क्या ये 27 से 30 अरब डॉलर हमारे पास आ सकते हैं? मुझे इसका भी कोई खास आसरा नजर नहीं आ रहा। जो हम इस वक्त टुकड़ों में IMF से ले रहे हैं वो कुछ करोड़ रुपए होते हैं, जो कुछ करोड़ डॉलर होते हैं, सॉरी रुपए, क्या रुपए की तो औकात टके सी नीचे चली गई है, इंशाल्लाह बेहतर भी हो जाएगी। तो वो कुछ डॉलर होते हैं, कुछ करोड़ डॉलर। तो हमें जो पैसे चाहिए वो इस मुल्क को चलाने के लिए चाहिए, या फिर हम ये कर दें कि हम अपनी गाड़ियां जो है वो थूक पे चलाना शुरू कर दें, तो ये तो हो नहीं सकता। तो हमें उन गाड़ियों में पेट्रोल डालना है, वो पेट्रोल हमें खरीदना है। जब हमें वो पेट्रोल खरीदना है तो हमें क्या चाहिए? डॉलर चाहिए। हमें अपनी फैक्ट्रियों में, ये जो किया की फैक्ट्री है, हुंडई की फैक्ट्री है, चंगान की फैक्ट्री, इनके पार्ट्स आने, इनमें सेंसर लगने, मुख्तलिफ चीजें होनी है। हमारी फैक्ट्रियों से जो माल बन के बाहर जाएगा उस माल से डॉलर आएंगे, लेकिन उस माल को बनाने के लिए खाम माल चाहिए, उसके लिए भी हमें डॉलर चाहिए। तो ये जो डॉलर चाहिए ये डॉलर कैसे आएंगे? अब अगर ये डॉलर आने तो फिर डॉलर का, हमारी जो पास डॉलर का रिजर्व है वो भी फारिग होगा। तो फिर क्या करेंगे हम? ये अब जब आप सूरत हाल देखेंगे ना, तो कुछ दिनों में आपको डॉलर खुदा ना खास्ता दोबारा ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। डॉलर ऊपर जाएगा तो आपके यहाँ महंगाई बढ़ेगी। ये जो बिजली की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं, जो और आगे बढ़ेंगी, जो IMF से वादे हैं, तो इसके नतीजे में महंगाई भी बढ़ेगी, बिजली की कीमतें भी बढ़ेगी, ये तमाम चीजें ऊपर जाएंगी। तो कैसे होगा ये काम? ये जो मियां नवाज शरीफ साहब को लग रहा है कि उनको हुकूमत मिल रही है, बल्कि शायद शहबाज शरीफ साहब को मिल रही है, मियां नवाज शरीफ साहब तो इसमें से कुछ और निकाल रहे हैं कि रानी बेटी राज करेगी पंजाब पे। तो अगर वो ये निकाल रहे हैं इसमें से, तो बात ये कि इसके नतीजे में करेंगे क्या? अच्छा है, ये इन लोगों को मिल जाएगी। फिर उसके बाद नवंबर, नवंबर में कुछ तब्दीलियां, आलमी तब्दीलियां, वो आलमी तब्दीलियां जब होंगी तो फिर उसके बाद आप वेट कीजिए मार्च तक, मार्च 2025 तक, फिर मुमकिन है कि पाकिस्तान में जो है वो आपको कुछ चीजें बदलती हुई नजर आए और हमारे यहाँ कुछ तब्दीलियां आए। ये उस वक्त मुमकिन है, उससे पहले बड़ा मुश्किल है। और ये मुश्किल हमें तब तक झेलनी है, हमें आदत है मुश्किल झेलने की, तो वो हम झेलेंगे। उससे पहले बहुत मुश्किल है। उससे पहले 8 फरवरी है, 8 फरवरी क्या हो रहा है, सरकारी छुट्टी भी है उस दिन? यार एक बंदा है जीवन सुल्तान, फेसबुक पे वो बड़ा मजे की छोटी छोटी सी वीडियोस बनाता है, लतीफे होते हैं उसकी वीडियो में, छोटे छोटे से ना, गालिबन फैसलाबाद का कहीं वो बंदा है, वो जिसकी वीडियो होता है ना हेलो, वो हर चीज पे घूम के देखता है, बड़ी वायरल वीडियो होती है उसकी फेसबुक पे। तो 8 फरवरी को क्या होगा? मेरा ख्याल है कि जो लोग ये सोच रहे कि 8 फरवरी को पता नहीं क्या हो जाएगा, तो 8 फरवरी को कुछ नहीं होगा, हमारे साथ होगा, हम कहेंगे हेलो बस। अब ये हेलो जो है, ये अगर आप बात करें उन लोगों की जो अपना प्लान बना चुके, अगर लोग 70% निकल आए तो उन लोगों के साथ होगा और वो फिर पूछ रहे होंगे हेलो ये क्या हो गया। और अगर लोग नहीं निकले तो फिर बाकी तमाम जो 70% नहीं निकलेंगे उनके साथ होगा और वो पूरा साल पूछ रहे होंगे हेलो ये क्या हो गया। तो ये हमारे साथ होना तय है। उससे पहले जिस तरह की उन्होंने गुफ्तगू की है ना, इस तरह की गुफ्तगू करने की आदत डाल लें, चिल करें, इंजॉय करें, क्योंकि अब इंजॉय करना मजबूरी बन गई है। जब इंजॉय करना मजबूरी बन जाए तो इंजॉय करना चाहिए आपको। सर आखिर में मुझे बता दें, ये हेलो जो होगा, इस हेलो के पीछे एक सर्वे हुआ वॉइस ऑफ अमेरिका का, वो सर्वे का नजर से भी गुजरा होगा कि असरअंदाज कैसे होंगे अदारे इस हेलो पे, उस पर क्या कहें? यार अब दिलचस्प है, उसमें नौजवानों ने सबसे ज्यादा बड़ी तादाद में एतमाद का इजहार किया है पाक फौज पर। अच्छा, वहां नौजवानों का हेड था तो नौजवानों ने एतमाद का इजहार किया है। जो पाकिस्तानियों से उस सर्वे में पूछा गया
कि सबसे ज्यादा असरअंदाज होने की ताकत इंतखाबी नताइज पर कौन रखता है, तो उसमें जो नाम आया वो नाम आया सबसे बड़ी तादाद में फौज का। तो ये दिलचस्प है, लोग समझते हैं कि इसी इदारे पर हमें एतमाद है, यही इदारा हमारे मसाइल का हल कर सकता है, एतमाद उसी पे होता है। और एट द सेम टाइम लोग अगर किसी पर ये शक कर रहे हैं कि वो इंतखाबात पे असर अंदाज हो सकता है, तो वॉइस ऑफ अमेरिका का सर्वे बताता है कि वो भी वही इदारा है। तो अजीब हैरान कुन सा है मेरे लिए ठीक ये, है। मुझे भी उन्होंने किया है सर्वे में पाकिस्तानियों ने। हेलो पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत डॉट पीके भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुजश्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कानून मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत डॉट पीके की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआज के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवाल भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।